हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 13.5 पार्ट की। ये होगा आपका भारतीय इतिहास, और इसमें हम कवर करेंगे 161 से आगे के क्वेश्चन जो होंगे टिल 192 तक, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, अटेम्प्ट कर रहे होंगे कि क्वेश्चंस, और अपना एक फाइनल स्कोर बना रहे होंगे कि आपकी तैयारी जीएस सेक्शन में, वो भी इतिहास में, कितनी स्ट्रांग है और कितनी वीक, खुद को जज करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चेक करिए अपना लेवल। तो चलिए शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 161, दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी का नाम पूछ रहा है, कौन था वो? रामचंद्र, प्रताप रुद्रदेव, वीर बलाल या फिर वीर पांडे? 161, तो 161 का राइट आंसर होगा आपका बी, प्रताप रुद्रदेव। अगला क्वेश्चन है 162, किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर हैं? मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या फिर इल्तुतमिश? 162, और 162 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 163, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? अलाउल मुल्क, अमीर खुसरो, काजी मुगीसुद्दीन या फिर फकरुद्दीन? 163, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, अलाउल मुल्क। अगला क्वेश्चन है 164, किसने चार अध्यादेश, जप्ती, कुप्चर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक? 164, राइट आंसर होगा इसका बी, अलाउद्दीन खिलजी। 165 के किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत मतलब वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक? 165, राइट आंसर होगा इसका अलाउद्दीन खिलजी। 166, किसने सैन्य शासक के क्षेत्र में दाग मतलब घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगवाना स्टार्ट किया एवं हुलिया मतलब सैनिकों की पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी? 166, राइट आंसर होगा इसका बी, अलाउद्दीन खिलजी। 167, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक? 167, राइट आंसर होगा इसका ए, अलाउद्दीन खिलजी। 168 नंबर है, यक अश्वा, दो अश्वा मतलब दो घोड़े वाले सैनिक, एक घोड़े वाले सैनिक, ये जो प्रथा थी इसका प्रारंभ किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 168, तो 168 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 169, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा ये कथन सही है? तो 1, 2, 3, 4 सभी कथन पढ़ लीजिए, और कौन सा सही है उसका चुनाव करिए। वीडियो को करिए पॉज। 169 राइट आंसर होगा इसका बी, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 170, सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? गला का, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार, दासों, घोड़ों एवं मवेशियों का बाजार, छोटी छोटी वस्तुओं का बाजार? 170, राइट आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है 171, दिल्ली स्थित सीरी का किला, हजार सतुन राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक? 171, राइट आंसर है इसका सी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 172, किसने रसमे मियान मतलब बीच का रास्ता, वे तरीके इतदाल मतलब सुल्तान का तरीका, तो सुल्तान का तरीका और बीच का रास्ता नाम से राजस्व सुधार की
व्यवहारिक नीति अपनाई। गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। 172 राइट आंसर ए 173। देखिए कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर मतलब तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी। बहुत ही डीप क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी सीजन में भी ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है लेकिन स्टेट पीसीएस में ज़्यादा पूछा गया, तो आप प्लीज़ इसका आंसर मुझको दीजिएगा। देखिए चलिए पढ़ते हैं चार ऑप्शन पहले, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो 173 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 174, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। 174 राइट आंसर होगा इसका ए, गयासुद्दीन तुगलक। 175 सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोना खान था। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन। 175 राइट आंसर होगा इसका बी, मोहम्मद बिन तुगलक। 176 है कि किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इनमें से कोई भी नहीं। तो 176 राइट आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। 177 तो देखिए 77 जो है हमारे सामने सूची वन और सूची सेकंड में दिए गए हैं राज्यों के संस्थापकों के नाम। तो मिलान करिए इसको और इस वीडियो को पॉज करिए, सबसे पहले थिंक करिए मतलब विचार करिए इस क्वेश्चन पे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो 177 का राइट आंसर होगा ए, 1 2 3 4। 178 मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरा स्थान में हलचल होने लगती है, तो ये कथन किसका था। चार ऑप्शन आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक। 178 राइट आंसर होगा इसका बी, मोहम्मद बिन तुगलक। 179 हमारे सामने है क्वेश्चन कि किसके राज्य काल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ था और जिसकी चरम पाणी थी 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इनमें से कोई भी नहीं। तो 179 राइट आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है 180, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी। थट्टा में, दिल्ली में, दौलताबाद में, लाहौर में। तो 180 राइट आंसर होगा इसका ए, थट्टा में। 181 वन है हमारे सामने कि राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया। गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। 181 राइट आंसर होगा इसका सी, मोहम्मद बिन तुगलक। 182 किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इनमें से कोई भी नहीं। तो 182 राइट आंसर होगा इसका सी, फिरोज शाह तुगलक। 183 है कि निम्नलिखित में से किसने सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया। तो चार ऑप्शन आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज तुगलक एंड गयासुद्दीन तुगलक। तो 183 राइट आंसर होगा इसका सी। 184 किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। 184 देखिए फिरोज शाही संबंध रखता है फिरोज तुगलक से, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सी। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपका आईक्यू लेवल हाई होना चाहिए, जैसे कि पता है कि फिरोज शाही फिरोज से संबंध रखता होगा तो आप फटाफट यहाँ पे इसका राइट आंसर लगा सकते थे क्वेश्चन का आंसर ना पता होते भी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करनी पड़ी 184 में,
और एक ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आता है कि जिसमें आपकी अप्लाई होती है स्मार्ट अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 185, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व मतलब हके सर्व मतलब सिंचाई कर नामक एक नया टैक्स लगाया? फिरोज तुगलक, गियासुद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। 185 राइट आंसर होगा इसका ए, फिरोज तुगलक। 186 है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय या तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह? तो 186 राइट आंसर है इसका बी, एक खराती अस्पताल। 187 है कि किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोजी, सिकंदर शाह सूर, सिकंदर महान, इनमें से कोई भी नहीं। तो 187 राइट आंसर है इसका ए, सिकंदर लोदी। 188 किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, इनमें से कोई भी नहीं। तो 188 राइट आंसर होगा इसका ए, मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है 189, रजिया बेगम को सत्ता युक्त करने में किसका हाथ था? मतलब कि उसको रजिया के बारे में बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। तुर्कों का, अफगानों का, मंगोलों का, अरबों का? 189 राइट आंसर है इसका ए, तुर्कों का। 190 प्रसिद्ध यात्री इबन बतूता के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। वह मोरक्को का यात्री था, सही बात है। 14वीं सदी में इस उपमहाद्वीप में यात्रा करते हुए उसने किताब उल हिंद में अपने अनुभवों का वृत्तांत किया। वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। इनमें से कौन सा सही है? तो लगाइए, वीडियो को पॉज करिए और लगाइए अपना राइट आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। तो 190 राइट आंसर है इसका, फर्स्ट और थर्ड इसमें क्या है, राइट। क्वेश्चन नंबर 191, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने? 191 राइट आंसर होगा इसका बी। 192, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? खासुल खान, इसुगई, तेमुचीन या फिर ओंगदी? तो 192 राइट आंसर आपका तेमुचीन। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। और आज के इस वीडियो में आपके लिए जो क्वेश्चंस मैं पूछने जा रहा हूँ, इस वीडियो में से वो क्वेश्चन नंबर है 174, जो अभी आपने हाल ही में देखा था। हमने 192 क्वेश्चन डिस्कस करे, मात्र शायद 8 से 7 मिनट का गैप होगा। तो अभी हमने क्वेश्चन देखा था, अब देखिए कि आपको इसका आंसर आता है या फिर नहीं आता। अगर आता है तो प्लीज़ मुझको कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर क्या है और आपका 32 में से कितना स्कोर रहा। आज के इस वीडियो में हमने 32 क्वेश्चन कवर करे थे। अपना एक कमेंट करना है फाइनल स्कोर का, सेकंड कमेंट करना है हमको कि इसका आपका राइट आंसर क्या था, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपका रिप्लाई मुझे पक्का मिलेगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्योंकि वीडियो पर व्यू नहीं आ रहे और मुझको मोटिवेशन मिलता है आपके व्यू से, आपके लाइक से, आपके शेयर से। मुझको क्या सबको ऐसे मिलता है मोटिवेशन, जो भी यूट्यूबर्स होते हैं, जो भी एजुकेटर होते हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और कमेंट में आपके कोई भी अगर राय होती है तो मुझे आप अपनी राय सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं टाइप करके। लेकिन राय लॉजिकल होनी चाहिए, राय ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप खुरापाती कोई क्वेश्चन मुझसे पूछें। तो प्लीज़ ना तो अपना टाइम खर्च करें ना मेरा टाइम खर्च करें, क्योंकि टाइम इज़ सिंपल। अगर हम टाइम की कदर करेंगे तो टाइम हमारी कदर जरूर करेगा। तो सोचिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था। अगर आपको नहीं आता तो आप सोचिए कि आपका उस टाइम पे अटेंशन क्या था इस वीडियो के प्रति, पढ़ाई के प्रति, कि आप इसी तरह से अब तक इतने सालों से पढ़ते आ रहे थे, कहीं ये आपकी कोई कमी तो नहीं? अगर कमी हो तो प्लीज़ छुपाना मत, ना मुझसे ना ही अपने आप से। मुझसे छुपाना है छुपा सकते हैं, लेकिन अपने आप से छुपाओगे तो शायद टाइम और लग सकता है। तो अपनी कमियों को फटाफट पकड़िए, उस पर एक्शन करिए, उस कमियों को ख़त्म करिए। जितनी जल्दी से जल्दी आप अपनी कमियों को, खामियों को ख़त्म करेंगे, उतनी जल्दी आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।